हिंदुस्तान की आजादी की कहानी जंजीरों से जकड़े दिन और खूब काली अंधेरी रातों की कहानी, कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश उपनिवेशक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। उसने गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदुस्तानी सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूस चर्बी से बने थे। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाथ करने वाले प्रथम सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। इनकलाब जिंदाबाद।